press the bell icon on the YouTube app and never miss a... जबान खींच करके मैं अंगूठे में बांधने की हिम्मत रखती हूँ, अगर कोई मेरे भारत के प्रधानमंत्री जी के लिए अभद्र भाषा या किसी भी गलत तरीके से उनको प्रेजेंट करने की कोशिश करेगा तो। बड़ी करवाहट है, ये तो मैंने चंद बातें बताई हैं, और भी बहुत सारी बातें हैं जो शायद मेरी आंखों से आंसू निकल जाएगा, इसलिए मैं उस पर जाना नहीं चाहती हूँ। मैं अपने आप को एक भारतीय महिला कहना ज्यादा फक्र समझती हूँ। आज आप लोग नाज़िया इलाही खान के बारे में कह रहे हैं कि नाज़िया इलाही खान मुसलमान ही नहीं है। जूता खोल करके, पैंट खोल करके इतना मारूंगी कि चार दिन चेयर पे नहीं बैठ पाएगा। डॉक्टर जाकिर नायक के हिसाब से मास्टरबेशन हराम नहीं है, तो क्या मेरा बेटा मास्टरबेशन करेगा? तो क्या करूं, मैं ऐसी स्पीचेस सुनने दूं? मेरे पास वो स्पीचेस है। सभी को जैन दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है जैन द रिएक्शंस पे। तो आज हम आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और एक दमदार वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें आप देखेंगे कि रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की तारीफ की है, और इसी पे आप देखेंगे पाकिस्तानी पत्रकार निमरा अहमद को और उनकी स्पेशल गेस्ट होंगी भारतीय शेरनी और सुप्रीम कोर्ट की लॉयर नाज़िया इलाही खान जी की बेबाक राय। तो ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होगी, इसे अंत तक देखें, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा और बहुत मजा आएगा। तो चलिए साथ मिलकर ये वीडियो देखते हैं। जय हिंद, जय भारत। स्पीचेस हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए, उनके करियर के लिए, उनके भविष्य के लिए, उनके फ्यूचर के लिए गलत है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज मी योर होस्ट निमरा एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। और इस वक्त हमारे साथ आप सबकी जानी मानी बहुत फेमस पर्सनैलिटी, जिनको भारत की बेटी बोला जाता है, एडवोकेट नाज़िया इलाही खान आज हमारे साथ मौजूद है। थैंक यू सो मच मैम कि आपने टाइम निकाला बिजी शेड्यूल में से व्यूअर्स के लिए, आप तशरीफ लाई, उसके लिए बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच मैम। और आज हम बात करने वाले हैं, एक वीडियो, एक न्यूज बड़ी ज्यादा वायरल हो रही है व्लादिमीर पुतिन की, जिसमें वो एक यूनिवर्सिटी में बैठे हुए हैं, एक पूरी कॉन्फ्रेंस हो रही है वहां पर स्टूडेंट्स वगैरह, और वहां पर प्राइम मिनिस्टर मोदी की काफी ज्यादा तारीफ की है, बोला है ही इज अ वाइस मैन, और जब भी मैं वी का इस्तेमाल करता हूँ तो उसका मतलब होता है रशिया और भारत। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी के लिए पुतिन की जुबान से तो हमेशा तारीफ निकलती ही है, और जो वीडियो वायरल हो रही है वो भी काफी अच्छे उन्होंने अल्फाजों में तारीफ की है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? कल मैं मोदी जी की एक स्पीच सुन रही थी, बहुत पुरानी थी, पर हमेशा उनकी स्पीचेस को मैं रात के वक्त सुनती हूँ, और सुषमा स्वराज जी की, और कहीं ना कहीं बहुत इंस्पिरेशन मिलता है और काम करने की शक्ति मिलती है। बता रहे थे पुरानी बातों को कि भारत एक वक्त ऐसे जगह पर था जब वो आतंक के खिलाफ आवाज उठाया करता था तो सिर्फ रशिया साथ खड़ा होता था, और आज एक वक्त आया है कि पूरी दुनिया भारत के साथ खड़ी होती है। तो वाकई में 9 साल में हमारे भारत के प्रधानमंत्री ने कितना सशक्त और कितना पावरफुल हमें कर दिया है, कितना ज्यादा हमें एनर्जेटिक कर दिया है, और अपने आप में एक भारतीय होने का जो घमंड होता है वो हमारे जिगर में पैदा किया है, तो सिर्फ और सिर्फ भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी ने। आपके इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, क्योंकि आप पाकिस्तानी एंकर हैं इसलिए मैं बताना चाहूंगी। और 2 अक्टूबर अभी 2 दिन पहले ही गुजरा है, जब लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्मदिन था। मैं गांधी जी के जन्मदिन को सेलिब्रेट बिल्कुल नहीं करती हूँ, क्योंकि मेरे मन में उनके लिए बहुत सारी कलवाहट है, और अगर मैं उस वक्त होती तो मैं कभी भी नेहरू को प्राइम मिनिस्टर बनने नहीं देती। मैं डेफिनेटली इस चीज का विरोध करती, अपने जान को भी दे करके विरोध करती। कई बार दिल्ली के चौराहे और गलियों पर आपने मुझे बोलते हुए सुना होगा कि मैं थूकती हूँ पाकिस्तान पर। कई मुसलमानों ने मुझे बहुत ट्रोल किया है, कई मुसलमानों ने मुझे गालियां दी हैं, कई मुसलमानों ने मुझे बहुत अभद्र भाषा के साथ मुझे प्रोस्टिट्यूट तक कहा है, भारत के मुसलमान ने भी, क्योंकि मैंने पाकिस्तान पर थूका था। ऐसा है निमरा कि कोई देश का प्रधानमंत्री अगर खुद को बादशाह समझ ले तो वो देश बर्बाद हो सकता है, पर अगर किसी देश का प्रधानमंत्री खुद को परम सेवक समझ ले
तो वो देश आबाद हो जाता है, जैसे अटल बिहारी वाजपेयी जी, जैसे लाल बहादुर शास्त्री जी, जैसे हमारे भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी। इन्होंने अपने आप को इस राष्ट्र का, इस अखंड भारत का, इस भारत की भूमि का परम सेवक समझा है, और यही वजह है कि 9 साल में हमारा देश जमीन से आसमान तक पहुंच गया। 9 साल में परिंदा पर नहीं मार पाया है, 9 साल में कोई आतंकवादी घुस नहीं पाया है, 9 साल में किसी ने साजिश और षड्यंत्र मचाने और रचाने की कोशिश नहीं कर पाया है। बहुत कुछ कोशिश की जा रही थी, पर सारी कोशिशें बाद दिमाग की नाकाम होती चली गई, क्योंकि ये परम सेवक 9 साल में 9 सेकंड की छुट्टी भी नहीं लिया है। और अब ऐसे मौके पर एक भारत का बच्चा स्टूडेंट अगर पुतिन जी से ये सवाल करता है भारत के बारे में, तो क्यों ना पुतिन जी हमारे भारत के प्रधानमंत्री की तारीफ करें, क्यों ना ये कहें कि भारत के प्रधानमंत्री बहुत अकलमंद है, भारत के प्रधानमंत्री की जितनी भी तारीफ की जाए वो कम है, भारत के प्रधानमंत्री द बॉस है, भारत के प्रधानमंत्री जैसा कोई प्रधानमंत्री है ही नहीं, भारत के प्रधानमंत्री ने अपने परम सेवक का जो कर्तव्य निभाया है वो आज इस पूरी दुनिया में एक मिसाल बना करके खड़ा किया है, तो क्यों ना पुतिन जी इस बात की, रशिया के प्रेसिडेंट इस बात की तारीफ करेंगे। उन्होंने साथ साथ ये भी कहा है कि भारत से रशिया का, रशिया के जो संबंध है वो ऐतिहासिक संबंध है, हर दुख दर्द में रशिया और भारत ने एक दूसरे का साथ दिया है। और जब मैं किसी वेस्टर्न आउटफिट्स में जब मैं एयरपोर्ट पहुंचती हूँ और लोग मुझे कहते हैं कि आप थोड़ी सी रशियन दिखती हैं, तो मुझे हंसी आ जाती है और मैं सोचती हूँ मन में कि ठीक है, कुछ बुरा तो नहीं कहा है, कुछ बुरा तो नहीं कहा है। तो एक भारत का बच्चा, एक भारत का छात्र जब खड़े हो करके माइक पकड़ करके रशिया के प्राइम मिनिस्टर पुतिन जी से ये सवाल करता है और पुतिन जी का जवाब आता है, भारत के प्रधानमंत्री के लिए तारीफों की बौछार स्टार्ट होती है, शुरुआत होती है, तो वह बताएं कि भारत के बच्चों का, भारत के छात्र छात्रों का कलेजा कितना गदगदाता होगा और कितना फक्र से धड़कता होगा कि हम कितने खूबसूरत भारत के नागरिक हैं कि आज रशिया में बैठ करके भी तारीफ तो मेरे भारत के प्रधानमंत्री जी की हो रही है। तो निम्रा, ये हमारे लिए बहुत गौरव की बात है, ये हमारे लिए बहुत फक्र की बात है, और हमें छाती चौड़ी करके कहना चाहिए कि मैं भारत में रहने वाली हूँ। और आज कोई भी व्यक्ति जो भारत से बहुत मोहब्बत करता है, भारत की तरक्की से बहुत मोहब्बत करता है, वो कोई भी गलत टिप्पणियां भारत के बारे में नहीं कर सकता है। क्योंकि देखिए, मैंने भगवत गीता पढ़ी है, मैंने रामायण पढ़ी है, मैं इस्कॉन टेम्पल जाती हूँ, मैं पूजा करती हूँ, मैं आराधना करती हूँ, पूरी श्रद्धा के साथ करती हूँ। जिस नमक को मैं खा रही हूँ, जिस भारत की आबोहवा में मैं जी रही हूँ, जिस भारत की योजनाओं के द्वारा मैं हजारों करोड़ों लोगों को लाभ पहुंचा रही हूँ, जिस भारत के सनातनी शेर की वजह से आज नाजिया इलाही खान भारत की बेटी बनी है, जिस भारत की वजह से मैं शिक्षित हुई हूँ, जिस भारत ने मुझे इतना स्ट्रांग और इतना ताकतवर बनाया है, उसकी बुराई ये मुसलमान भारत की बेटी तो नहीं कर सकती। कोई भी मुसलमान व्यक्ति मुझसे ये एक्सपेक्टेशन ना रखे कि मैं भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी के खिलाफ सुनना भी पसंद नहीं कर सकती हूँ, बिल्कुल भी नहीं। जबान खींच करके मैं अंगूठे में बांधने की हिम्मत रखती हूँ अगर कोई मेरे भारत के प्रधानमंत्री जी के लिए अभद्र भाषा या किसी भी गलत तरीके से उनको प्रेजेंट करने की कोशिश करेगा। तो बिल्कुल सही है मैम, पूरी दुनिया में तो उनकी लीडरशिप। दोस्तों, आशा करता हूँ कि वीडियो को अपने अंत तक देखा होगा और ये पूरा डिस्कशन आपको बहुत पसंद आया होगा और इसमें आपको बहुत मजा आया होगा। और हमेशा हमने देखा है कि नाजिया इलाही खान जी जब भी बात करती हैं तो वो बात निडरता और बेबाकी से करती हैं और हमेशा ही बात सीधी और मुंह पे कहती हैं। बाकी हमने देखा है कि नाजिया खान जी के पीछे काफी मजहब के ठेकेदार पीछे पड़े हैं और हमेशा इनको ट्रॉल करते रहते हैं और उनको धमकी आती है, पर हमने देखा है कि वो निडरता के साथ सबका सामना करती हैं और अपने दिल की बात रखती हैं। और उन्होंने बात की भारतीय प्रधानमंत्री की, तो जी हाँ, हमने देखा है कि भारत के प्रधानमंत्री को आज दुनिया भर अपना लीडर मानती है। किसी देश के हेड जो हैं
वो भारतीय प्रधानमंत्री के पांव छू रहे हैं, कोई भारत के प्रधानमंत्री को द बॉस कह रहा है, और कहीं भारत के प्रधानमंत्री को अपना सच्चा दोस्त बताया जा रहा है। तो ये हम सब भारतीयों के लिए एक गर्व की बात है। और आपने देखा कि नाज़िया खान जी हमेशा ही भारत के प्रधानमंत्री का साथ देती हैं और उनकी जितनी भी नीतियां हैं उनके सपोर्ट पे बात करती हैं। तो इसके बारे में आपकी क्या राय है, आप अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं, हमें आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें, और एक बार फिर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए ऐसी लेटेस्ट इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट वीडियोस लाते रहें। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी जबरदस्त वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।